डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसी का तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ और ये आपके जीआईसी के पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए, प्रतिदिन की योजना, दीर्घकालीन योजना, अंशकालीन योजना, उपयुक्त सभी। देखिए, नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए, तो प्रतिदिन की योजना भी होनी चाहिए, दीर्घकालीन योजना भी होनी चाहिए और अंशकालीन योजना भी होनी चाहिए। ये सभी नर्सरी स्कूल कार्यक्रम योजना में होना चाहिए। देखिए, नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए जिससे बच्चों का स्कूल में मन लगे, उनका मन उबे ना, और जो निम्न है, प्रतिदिन की योजना, दीर्घकालीन योजना और अंशकालीन योजना। वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? क्रोमोसोम होते हैं, जीन्स होते हैं, जाइगोट होते हैं। तो देखिए, वंशानुक्रम की मूल इकाई होती है जीन्स। बी इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर। तो वंशानुक्रमण वंश परंपरागत है, जिसके अंतर्गत बालक माता पिता से विकासात्मक विशेषताएं, गुण, संस्कार आदि ग्रहण करता है। जीन्स के द्वारा मनुष्य अपने पूर्वजों के सदृश पैदा होता है और यही क्रिया क्या कहलाती है? वंश अनुक्रम कहलाती है। नर्सरी स्कूल का क्या उद्देश्य है? जो नर्सरी स्कूल है उनका क्या उद्देश्य है? अच्छा शरीर गठन, पर्याप्त गायात्मक समन्वय विकसित करना, स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना, संवेगात्मक परिपक्वता व अच्छी अभिव्यक्तियाँ विकसित करना, उपयुक्त सभी। देखिए, नर्सरी स्कूल का उद्देश्य ये सभी है: अच्छा शरीर गठन व पर्याप्त गायात्मक समन्वय विकसित करना, स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना, संवेगात्मक परिपक्वता और अच्छी अभिव्यक्ति विकसित करना। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर सही है। फिर है, मोती पिरोने में आवश्यकता होती है समस्त पेशी कुशलता की, छोटी पेशी कुशलता की, नेत्र समन्वय की, नेत्र हस्त समन्वय की। तो देखिए, मोती पिरोने में नेत्र हस्त यानी आँख की और हाथ, इन दोनों का समन्वय, इन दोनों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? मोती पिरो सकते हैं। जब हम आँख से देखेंगे और हाथ से मोती पिरोएंगे, तो इन दोनों का समन्वय से ही मोती पिरोते हैं। तो सभी समूह के बालक 2.5 वर्ष की आयु में छोटे तथा बड़े मोती पिरोने का कार्य कर सकते हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ मोती पिरोने की गति में भी वृद्धि हो जाती है और मोती पिरोने में नेत्र हस्त समन्वय की आवश्यकता होती है। विकास के सभी क्षेत्र संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर, वातावरण से प्रभावित, अनुवांशिकता से प्रभावित। तो देखिए, विकास के सभी क्षेत्र हैं, एक दूसरे संबंधित, क्या है? एक दूसरे से संबंधित हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। तो विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। विकास की उत्पत्ति होती है परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया से, प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर क्रिया से, परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से, प्रशिक्षण व अधिगम की परस्पर क्रिया से। तो देखिए, विकास की उत्पत्ति होती है हमारी परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका सही उत्तर है। तो विकास का अर्थ क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तनों से है। विकास के अंतर्गत न केवल शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल किए जाते हैं। विकास की उत्पत्ति परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से होती है। तपेदिक से बचने के लिए BCG का टीका कब दिया जाता है? तो देखिए, तपेदिक से बचने के लिए BCG का टीका 1 माह में, याद रखिएगा, मंथ में। तो तपेदिक से बचने के लिए BCG का टीका शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए।
प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है तो वह बीसीजी का ही होता है। यह टीका बाह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है संवेगात्मक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, समायोजन की समस्याओं का या शारीरिक समस्याओं का। तो देखिए, नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन की समस्या का। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नवजात अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक मानी जाती है। इस बात को नोट कर लेना, शायद क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था यानी पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाहर के वातावरण में समायोजन स्थापित करने की क्या करता है, कोशिश करता है। नवजात शिशु का औसतन भार होता है पाउंड में तो 7.5। तो याद रखिएगा, नवजात शिशु का औसतन भार 7.5 तक होता है और लंबाई 18 से 20 इंच तक होती है। बालक शिशु बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से अधिक क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि नवजात शिशु का औसतन भार कितना होता है तो 7.5 पाउंड होता है और लंबाई कितनी होती है, 18 से 20 इंच होती है। बालक शिशु बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से अधिक क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फिर विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था पियाजे ने, तो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था हेविंग हर्स्ट ने, डी इसका करेक्ट आंसर है। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था हेविंग हर्स्ट ने, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रत्येक विकास की अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं। हेविंग हर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्यों से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं। इन कार्यों को सफलतापूर्वक करने के फलस्वरूप व्यक्ति को क्या होती है, प्रसन्नता होती है। विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में भी क्या मिलती है, सफलता मिलती है। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। वह ज़्यादा सोता है। उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती है। देखिए क्या होता है, जब नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में जो वजन के पश्चात क्या होता है, नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम होने लगता है। ये बात बिल्कुल राइट है और सही है, क्योंकि वो क्या आता है, वो माँ के पेट से, माँ के गर्भ से बाहर की दुनिया में आता है। तो उसे बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। इसी के कारण क्या हो जाता है कि शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है जन्म के बाद। तो देखिए, जन्म के बाद शिशु का प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग 10% वजन कम हो जाता है। जो भी उसका वजन होगा जन्म के समय, उसका कितना 10% वजन कम हो जाएगा। जन्म के चौथे दिन से वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा की हानि होती तो शिशु में निर्जरीकरण ज्वर हो सकता है। इस स्थिति में सावधानीपूर्वक जाँच करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखिए, विकास का तात्पर्य क्या है, गुणात्मक परिवर्तन, पढ़ात्मक परिवर्तन, गुणात्मक पढ़ात्मक परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकास का तात्पर्य हमारा गुणात्मक और पढ़ात्मक परिवर्तन दोनों से है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। विकास से तात्पर्य गुणात्मक पढ़ात्मक परिवर्तन दोनों से है। विकास एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है उसे क्या कहते हैं, फिर से सुनिएगा। वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है, जो तंत्रिका तंतु होती है उसको घेरती है, उसे क्या कहते हैं, तो माइलिन सीथ, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है वो माइलिन सीथ है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दूर संचार तारों के समान शरीर के विभिन्न भागों में महीन धागों के समान तंत्रिकाएं क्या होती हैं, फैली रहती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है? तो इरिडेशन। तो देखिए, इरिडेशन प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ में जीवाणुओं को जाने से क्या करता है? रोकता है। अब ये आप लोग बताएंगे कैलोरी इकाई है, ये आपका होमवर्क है, और सब लोग बताएंगे कि कैलोरी इकाई है क्या है, बीएमआर की, बीएमआई की, गर्माहट की, तापक्रम की। तो ये आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।